नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार रोक्स के बारे में, या मैं कहूं महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। और वेरिएंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका MX5 वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ पर आप पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट ले सकते हैं। इसके बाद आप डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक ले सकते हैं अगर आप टू व्हील ड्राइव ले रहे हो, और डीजल में आप 4x4 का ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हो। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, डीजल 4x4 ऑटोमेटिक, जो कि सिर्फ आपको टॉप एंड वेरियंट्स में मिलने वाला है। सो MX5 वेरियंट की आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। तो अगर आप इसको डीजल में रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं, तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी 17 लाख रुपए। और अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लेते हैं, जो कि हमारे पास ये गाड़ी अवेलेबल है, तो ये आपको पड़ेगी 18.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल मैं हूँ गुड़गांव हरियाणा में, आरव महिंद्रा मानेसर में। यहाँ पे ये गाड़ी आपको लगभग 21,20,000 के समथिंग जो है वो ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा आरव महिंद्रा की, साथ ही मैं आपको प्रवीण भाई के नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो जल्दी से जल्दी, और इवन गुड़गांव में सबसे पहले इनके पास ही जो है वो महिंद्रा थार आई है। MX5 मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम आपको टॉप एंड वेरिएंट भी जो है वो इसका दिखाने वाले हैं। दोनों ही अवेलेबल है, इसलिए आप शोरूम पे विजिट कर सकते हैं। चाबी महिंद्रा की वही टिपिकल की, यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए आपको एक बटन मिलता है। फ्लिप की होने वाली है गाड़ी की, ठीक है। जब हमने बात करें यहाँ पर सामने की ग्रिल की, तो सामने से आप देखोगे तो थोड़ी सी डिफरेंट ग्रिल जो है आपकी बार महिंद्रा ने दी है। आपको शायद पसंद आए ना आए, आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी रहते हैं ग्रिल के लिए, तो वो आप कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आपको ये पसंद ना आए तो। यहाँ पर अपने पास LED बेस्ड लाइटें हैं, LED बेस्ड टाइप सी टाइप जो है वो DRL आप देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। गाड़ी में फोग लैम्प लगे हुए हैं, वो भी आपके LED बेस्ड ही होने वाले हैं। ये X5 वेरिएंट है, तो इसमें एडास के ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है उनके ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे थार के साथ। देखो थार 5 डोर अब क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, आप इसको अपनी प्राइमरी कार के तौर पर यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले हम 3 डोर के लिए कहते थे ना कि प्राइमरी कार के तौर पर यूज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं है, वो आपको अब प्रॉपर एक फैमिली कार जो है यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर डोर आ गए हैं, प्रॉपर स्पेस अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो गाड़ी में ऑलरेडी बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी 4x4 कैपेबिलिटीज़ में कोई भी कमी नहीं आई है, क्योंकि गाड़ी का जो भी अप्रोच एंगल था, जो भी डिपार्चर एंगल था, सब चीज़ें जो है वो सेम एज महिंद्रा थार जो अपनी 3 डोर वाली आती उसके अप्रोच ही जो है वो रखी गई है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एक जो चीज़ थोड़ी सी जो है वो कम हुई है, वो है ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका हल्का सा कम है, क्योंकि व्हील बेस ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओवरऑल गाड़ी की डायमेंशन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 2840 mm के समथिंग का जो है वो गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस अब यहाँ पे हो गया है। अलॉय आप देखो, अलॉय टॉप वेरिएंट से थोड़े से जो है वो आपको डिफरेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। 255/65R18 का जो है ओवरऑल टायर का सेक्शन है, आपको डिस्क ब्रेक जो है मिल रहे हैं, साथ ही जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो भी कम्प्लीटली आपको अब यहाँ पे बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे, लाइक 6 एयरबैग हो गया, ABS, EBD अपने पास, फिर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, सब चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से महिंद्रा ऑफर कर रही है। इवन जो इसका बेस वेरिएंट है वो भी आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फीचर्स भी आपको महिंद्रा काफ़ी सारे ऑफर कर रही है। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो डीजल में आपको ये गाड़ी, पेट्रोल में गाड़ी सॉरी 13 लाख रुपये के आसपास जो है वो एक्स शोरूम कॉस्ट करती हुई दिखेगी, और डीजल में आपको ये 14 लाख रुपये जो है वो एक्स शोरूम कॉस्ट करती हुई दिखेगी। दो ही ऑप्शन आएंगे अब की बार इसमें, 2 लीटर का पेट्रोल, दूसरा अपना 2.2 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर के का ऑप्शन जो है वो अभी फिलहाल नहीं है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, क्योंकि अभी जो है वो चल के आई है और अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, इस वजह से गाड़ी थोड़ी सी गंदी होगी, लेकिन ये MX5 वेरिएंट दिखाना आपको ज़रूरी था, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया भाई गाड़ी साफ़ है नहीं है। वैसे ये है कि दिखा रहा हूँ मैं आपको गाड़ी फटाफट से। यहाँ पे देखो LED बेस्ड लाइट है, इंडिकेटर जो है वो आपके हेलोजन है, और पीछे वाला जो बैक लैंप है वो भी आपका हेलोजन मिलता है। कुछ ऐसा यहाँ पे व्हील के ऊपर कवर लगाया गया है। कैमरा देखो कहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, और ये जो है ये स्टील रिम आपका होने वाला है। इसके अलावा पीछे पार्किंग सेंसर्स जो है वो आप देख सकते हो, 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे, रिफ्लेक्टर वगैरह वो भी आपके पास अवेलेबल है। बूट में काफ़ी बढ़िया स्पेस इस बार दिया गया है, देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये ग्लास आपका वो पुरानी वाली थार के जैसे ही जो है ऊपर खुल जाता है, अच्छा खासा स्पेस है, खूब आप अपना 4 बंदे बिठा के भी लगेज जो है वो ले जा सकते हो। 60-40 का स्प्लिट रेशियो यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आपको और बूट स्पेस चाहिए तो आप इसको और भी आगे जो है वो खिसका सकते हो। इसके बाद और बाकी क्या कुछ है, यहाँ पे कोई भी सबवूफर वगैरह जो है वो नहीं है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको बिल्कुल दिया गया है अगर कोई एक्सेसरी यूज़ करनी हो तो। और देखो
ऊंट का ये और ये महिंद्रा थार का एक डेजर्ट वाली वाइप थिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। डिफोगर वाइपर दोनों आपको MX5 वेरिएंट में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। प्राइसिंग आप देखोगे ना गाड़ी की, तो प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइसिंग के हिसाब से आपके पास जो है वो सारे फीचर्स अवेलेबल यहाँ पे है। दोनों ही चाबियाँ देखो आपकी कुछ इस टाइप की मिलती है। 57 लीटर का टैंक अब यहाँ पे आपको महिंद्रा थार में मिलेगा, ठीक है। इस तरफ से आप डलवा सकते हो। DEF जो है वो भी आपका डीजल के साथ आएगा ही, तो वो भी आपको जो है वो डलवाना पड़ेगा। डोर्स देखो, यहाँ पे ये जो डोर हैंडल्स है ना, ये बॉडी कलर दिए गए हैं, इसमें मैच हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले आपके अभी भी रो ब्लैक ही रखे गए। ऐसा पता नहीं क्यों किया, पर ठीक है भाई, जो किया वो किया। ये कुछ लोगों को जो है वो पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई इनको यहाँ पे कहीं दे सकते थे, बट आई थिंक कि ये यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल मेरे को लग रहे हैं। व्हील आर्क ना गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। यहाँ पे अब डोर देखो, डोर पे ड्यूल टोन का यूज़ है, वाइट कलर में जो है ये सब मटेरियल आपको मिलता है। पूरा प्लास्टिक का डोर है, पावर विंडो जो है वो आपको मिलती है, क्रोम में डोर हैंडल जो है वो भी दिए गए हैं। थार का सिग्नेचर ये डोर पे ये भी आपको मिलता है। देन अपने पास इंटीरियर की बातें करें तो लेदरेट सीट कवर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे वाइट कलर के सीट कवर जो है वो दिए गए हैं। पीछे वाले हेडरेस्ट जो है दो एडजस्टेबल है, एक अपना फिक्स है, और आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिलता है। स्पीकर्स देखो, स्पीकर्स आपको चारों तरफ मिलेंगे, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आती है मेन बात कि भाई कंफर्ट कैसा है। तो देखो ये वाली सीट कम्प्लीटली पीछे, उस सीट के पीछे जाता हूँ क्योंकि वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी। यहाँ पे देखो बढ़िया नी रूम है, यहाँ पे बढ़िया लेग रूम है। थाई स्पोर्ट देखो, थाई स्पोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो आपको मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास LED बेस्ड लाइटें आ रही है। सनरूफ MX5 वेरिएंट में आपको छोटी वाली ऑफर की जाती है। पीछे अपने पास रियर AC वेंट है, टाइप सी का जो है वो एक सॉकेट मिलता है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हो। देखो एज ए 5-डोर अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो गाड़ी में दिया गया है, तो ये एक बढ़िया चीज़ मेरे को लगी। 3-डोर में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि एक तो इसके पीछे जाने के लिए जो है वो जो आप सामने की डोर से आते थे वो बड़ा ही टिपिकल सा काम था। जो ओल्ड एज बंदे थे या फिर जवान बंदों की बात करूँ ना, तो भी वो इतना कंफर्टेबली जो है वो नहीं जा पाते थे, लेकिन यहाँ पे सही है। और दूसरी चीज़, इसकी जो राइड क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी बढ़िया आप पहले के मुकाबले यहाँ पे की गई है, तो वो अगेन एक प्लस पॉइंट महिंद्रा थार का, ये 5-डोर थार का हो जाएगा। राइड क्वालिटी में भी काफ़ी लोगों को जो है उस वाली थार से दिक्कत थी, तो वो अब यहाँ पर आपको नहीं आएगी। अब देखो अगर बात करें अपन स्टेयरिंग की, तो कम्प्लीटली चेंज आपको दिखेगा। सिर्फ अगर ये AC वेंट छोड़ देना तो एकदम से ही जो है वो आपको नई टाइप सी गाड़ी दिखने वाली है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मीडिया के बटन है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल है, स्टेयरिंग आपका टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और लेदर की फिनिशिंग जो है वो आपको यहाँ पे स्टेयरिंग पे मिलने वाली है। MID कुछ ऐसी रखी गई है, MID को कंट्रोल करने के लिए जो बटन है वो आपको इस तरफ मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे बटन हैं, जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन है, फ्यूल टैंक को ओपन करने का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का, ट्रैक्शन कंट्रोल का, सो ये भी काफ़ी सारे बटन जो है वो आपको वहाँ पे दिए गए हैं। ओवरऑल ड्यूल टोन का ही डैशबोर्ड लगता है। यहाँ पे थार का ये वाला सिग्नेचर ये भी रखा गया है, साथ ही थार की जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है, वो भी वहाँ पे रखी गई है। 10.25 इंच की डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चल जाएगा, इसके लिए हार्ड बटन्स जो है ये भी दिए गए हैं। सो फीचर्स आपके पास काफ़ी सारे हैं। पुरानी वाली थार में काफ़ी लोगों को शिकायत थी फीचर्स की, लेकिन अब आपको वो चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ पे वाइपर्स की कंट्रोल आपको दिए गए हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, हेडलैम्प जो है वो भी आपके ऑटोमेटिक आते हैं। LED बेस्ड हेडलैम्प जो है बेस वेरिएंट से ही महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रही है इतने प्राइस पे, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। AC वेंट्स पुरानी वाली थार के रखे गए हैं, जो कि थोड़ा सा आपको पुरानी वाली थार का लुक देने वाली है। यहाँ पे मैनुअल AC आता है AX5 वेरिएंट में। इसके बाद भाई बात करें अगर नीचे वाले पैनल्स की, तो गाड़ी में तो हम नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि डीलरशिप ने वीडियो जो है वो रुकवा दी, वो कह रहे थे कि भाई परमिशन नहीं है, तो थोड़ा इशू हुआ। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं अपन। नीचे अपने पास जो है वो कुछ बटन्स मिलते हैं, जैसे कि ड्राइव मोड्स जो है उनके ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएंगे, और हजार बटन की प्लेसमेंट है। इसके अलावा फीचर्स के मामले में अपने पास वायरलेस चार्जर आ जाएगा MX5 वेरियंट से ही, और ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स जो है वो 6 स्पीड का आपको टोर कन्वर्टर मिलता ही है, और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप ले सकते हो। दोनों में से जो भी आपको पसंद आए, 1.5 लाख रुपये का दोनों में डिफरेंस है, तो कोई भी आप ले लो जो आपको सहूलियत लगे, ठीक है। फिर कप होल्डर से मैनुअल हैंडब्रेक आता है MX5 वेरिएंट में, और पीछे अपने पास देखोगे तो आर्मरेस्ट आ जाता है, जो अपना लेफ्ट साइड वाला है ड्राइवर साइड का, वो स्लाइड होके थोड़ा सा आगे तक चला जाता है, बाकी जो अपना पैसेंजर साइड है वो फिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर ऊपर के कुछ चीज़ों की बात करें, तो अपने पास सनग्लास होल्डर है, और अपने पास सनरूफ को ओपन करने के लिए बटन है। छोटी वाली सनरूफ आती है MX5 में, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो अपने पास पैनोरमिक सनरूफ के ऑप्शन है, और लाइटें वाइटें अपने पास वही जो है
है वो आई जाती है, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो MX5 वेरिएंट में मिल जाता है। ठीक है, जो फीचर्स मैंने आपको मेन तो दिखाई दिए थे, वायरलेस चार्जर वगैरह एक दो चीज़ें बचती थी तो वो आपने यहाँ पे देख ली। बाकी कभी फिर से अपन डिटेल वीडियो इसका MX5 वेरिएंट का कर लेंगे, जिसमें कि और बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। इंजन वगैरह की मैं क्या बात करूँ, इंजन वगैरह की मैं डिटेल में बात करूँगा टॉप एंड वेरिएंट के साथ ही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सही रहेगा, इंजन को दिखा के उसके बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे, माइलेज वगैरह क्या देगा, पावर वगैरह जो है वो क्या देगा, सो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे फिर से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। MX5 वेरिएंट दिखाना मेरा मेन मकसद था, थोड़ी सी जल्दी दिखाया मैंने, पर चलो आई थिंक कि आपको सब कुछ जो है चीज़ें दिख गई होगी, आपको समझ में भी आ गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।